राहुल गांधी बोलता है चौकीदार चोर है। रफेल फ्लाइट का ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय न्यायमूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो चुका है, उसी में बोला है बराबर है, ये लोग कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। इनका स्पेसिफिकेशन शेड्यूल जाके निर्मला सीतारमन उनका फ्लाइट किधर तैयार होता है वो जाके तैयार जो हुआ है उनका पेपर लेके आए कि समझाने के बाद नहीं समझा, फिर कोर्ट का पास गया, कोर्ट में भी आदेश मिल गया। भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय पंतप्रधान साहब का जो काम है बराबर है, इनका कितना इसका कितना साल का पहले बहुत पैसा से लेने वाला वही फ्लाइट रफेल बहुत सस्ता में ये सरकार लेके आया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बल्कि न्यायमूर्ति का आदेश मिल गया। मिलने के बाद राष्ट्र में एक शब्द बताया जो गलत जो सब जिनने यूज किया चोर है उसके लिए माफ़ी मांगो। जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनको छोड़ेगा नहीं, अपना अपना में रास्ते में उतर के आंदोलन करेगा। ये शुरुआत है यहाँ पर साइन कोलीवाड़ा में। दूसरा मैं उनको राहुल गांधी को बोलना चाहता हूँ, चौकीदार चोर को पकड़ता है, चौकीदार चोर नहीं होता है, इसलिए चौकीदार पी चिदम्बरम को पकड़ा, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा कांग्रेस वाला कितना चोरी किया, पकड़ने को जाएगा कांग्रेस में 10% भी घर पर नहीं बैठ सकता है, इतना चोरी किया वो लोग। चौकीदार हिंदुस्तान को संभाला, चौकीदार हिंदुस्तान को विकास किया, यही चौकीदार आतंकवादी हट्टा पाकिस्तान में जाके सबको मार के आया, कोई पाकिस्तान आम आदमी के ऊपर तकलीफ नहीं हुआ, वापस अपना एयरपोर्ट अभिनंदन भी जाके आतंकवादी हट्टा को ही मारा, पाकिस्तान जनता को कोई तकलीफ देगा ही नहीं। अपना सरकार ऐसा है, अपना पंतप्रधान साहब ऐसा है, अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ऐसा है, विकास ही दिखेंगे। चोर ये लोग बोला है ना चोर पूरा 10 साल 15 साल कितना चोरी किया अभी बाहर आएगा, इसलिए चौकीदार देश को संभालने वाला चौकीदार होता है, चोर नहीं होता। एक और बात आपने कही अलग होने के बाद शिवसेना सरकार के लेकर इस पर भी आपने कमेंट किया, संजय राउत पर कमेंट किया कि मीडिया में जाकर कुछ बताने काम करना चाहिए। संजय राउत को पहले सोचना चाहिए, सम्माननीय बाला साहब ने बहुत साल का पहले गठबंधन विषय का ऊपर अभी सब जगह व्हाट्सएप में घूम रहा है, गठबंधन 2-3 पार्टी किया उसी में जास्ती आमदार किसी का पास है वही पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा, अपना से 50% भी नहीं है ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ सम्माननीय बाला साहब, बहुत साल का पहले गठबंधन क्या चीज़ है, मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इसका ईमानदारी हिंदुत्व मानने वाला लास्ट तक वही बाला साहब बताया, मैं वही रिपीट किया। अभी कभी भी सेना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, संजय राउत बार बार मीडिया में आके शो करेंगे, सबका खून कर्म करेंगे, उनका पार्टी को कर्म से करता है, भारतीय जनता पार्टी एकदम देश का सेवा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र और मुंबई सिटी को सेवा करेंगे, यही बोला मैं। प्रतिदिन है बाला साहब का, क्या आपको लगता है शिवसेना भटक गई है बाला साहब के, क्या कहेंगे आप? बाला साहब का इज्जत वो पार्टी वाला अभी नहीं रहता, शिवसेना का बड़ा बड़ा नेता लोग सीनियर कार्यकर्ता सब जगह यही बोल रहा है, अपना हिंदुत्व अभी जो सेना संभालता है वो खत्म कर दिया, हम लोग पार्टी में नहीं रहना चाहता हूँ, ये पार्टी पहले सरीका नहीं, बाला साहब कैसा संभाला ऐसा सिद्धांत ये लोग खत्म किया, हम लोग दूसरा पक्ष पे जाना चाहता है, बोल कि मैं नहीं बोलता है, शिवसेना का सीनियर लीडर शिवसेना का सीनियर कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता ये बोलने लगा सब जगह, ये व्हाट्सएप पर घूम रहा है। सर राफेल के झूठे बयान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को फटकार भी लगाई गई पर उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो अब भारतीय जनता पार्टी का क्या एक्शन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी नीतीश रूप में हम लोग जो है उनका विरोध करता है, तुम माफी मांगो, नहीं मांगेगा वापस वही बात करेगा, हम लोग भी कोर्ट में जाएगा पकड़ के अंदर डालेगा, जो गलत करता है अच्छा आदमी को चोरी बोलता है तो बोल नहीं सकता ना, ये गलत है। सर चौकीदार चोर है काफी बार कहा गया, चौकीदार चोर नहीं है, मैं बोलता हूँ चोर को पकड़ने वाला चौकीदार है, चोर वो लोग खुद है, इसलिए बार बार वही बोलते हैं।